मैं हूं वंदा शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। चीन के सामान के बहिष्कार की गूंज के बीच देश में खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल का मानना है कि ये भ्रम है कि चीन का सामान सस्ता होता है। तैयार माल को देखें तो 80% सामान ऐसा है जो चीन में और भारत में लगभग एक समान दाम पर है। इतना ही नहीं, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है और चीन के उत्पाद यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, लेकिन हमारे उत्पादों के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा भारतीय सामान के साथ गारंटी भी होती है। उन्होंने कहा चीन की रणनीति है, वो अपने सामान को किफायती बनाकर उसे बाजारों में पाटता रहता है। हालांकि अब लोगों की धारणा बदल रही है। आपको बता दें कि कैट ने 10 जून से चीन के माल के बहिष्कार का अभियान शुरू किया है और इसके लिए उसने बॉलीवुड हस्तियों से लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों का भी सहयोग मांगा है। खंडेलवाल ने कहा कि हम पूरी तरह चीन के आयात पर निर्भरता समाप्त कर सकते हैं, बशर्ते सरकार, उद्योग और व्यापार मिलकर साथ काम करें। उदाहरण के तौर पर देख लें कि पहले हम पीपीई किट, मास्क और वेंटिलेटर नहीं बनाते थे, लेकिन कोविड-19 ने अवसर दिया और आज हम इसके विनिर्माण में दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार उद्योग के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 50 एकड़ जमीन चिन्हित करे, वहां हम अपनी विनिर्माण इकाइयां लगा सकते हैं। इसके अलावा सरकार को उद्योग को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए। भारत में श्रम सस्ता है, जमीन उपलब्ध है, उपभोग के लिए बड़ी आबादी है। अगर सब मिलकर चले तो कोई वजह नहीं है कि हम अगले 4-5 साल में चीन से आयात पूरी तरह समाप्त करने में सफल हो सकते हैं। चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान कई सालों से चल रहा है और यही कारण है कि व्यापारियों ने होली, दिवाली जैसे भारतीय त्योहारों पर चीन से आयात काफी कम कर दिया है। लेकिन अब समय बदल रहा है, लोग चीन का सामान खरीदना नहीं चाहते और ना ही व्यापारी चीन का सामान बेचना चाहते। चीन के सामान के बहिष्कार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी चीन का सामान खरीदना और बेचना नहीं चाहते? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को उद्योग के लिए प्रत्येक जिले में 50 एकड़ जमीन चिन्हित करनी चाहिए जिससे कि वहां विनिर्माण इकाइयां लगाई जा सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।